फ्रेंड्स, देखते ही देखते इस चैनल पे 8000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब कहने का ये है कि आज जो अपनी ये फैमिली है हाई डेफिनेशन टेक की, उसमें कहीं ना कहीं 8000 से ज़्यादा फैमिली मेंबर हम लोगों से जुड़ चुके हैं। आपको मालूम ही होगा, बहुत पहले मैंने आपको बताया भी था कि इस चैनल को बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद है, जो मेरा एम है, वो ये है कि चाहे वो यूपी हो या उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी स्टेट हो इंडिया की, अगर कोई ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है और वो भी एक अच्छे तरीके से, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको गाइड कर पाऊं कि ऑनलाइन पैसा कैसे अर्न किया जाता है। क्योंकि जब बात आती है ऑनलाइन पैसा कमाने की, तो कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जहां पे लोग गैम्बलिंग करते हैं या उल्टा सीधा गेम खेलते हैं, जिनसे उनका जो फ़ोन का डेटा है वो तो हैकर्स हैक कर लेते हैं और उनको प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान ही होता है। तो इस चैनल पे मैं ऐसा कोई भी मेथड आपको नहीं बताता हूं जो कि शॉर्ट टर्म हो और आगे जाके वो आप नुकसान में चले जाएं। इसीलिए चूंकि ये मैंने चैनल बनाया था और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है कि पिछले 10 सालों में मैंने टीचिंग की है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अभी भी मैं कुछ लेक्चर्स लेता हूं, बट अब मैं रेगुलर जॉब नहीं करता हूं। मैं ई कॉमर्स करता हूं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और अपनी वेबसाइट के थ्रू, जहां से हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, चाहे वो इंडिया हो और चाहे अब्रॉड हो। वही जो मेरे पास नॉलेज है जिससे मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूं, मैं आपको वो सारी नॉलेज शेयर करता रहता हूं। समय समय पे अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो शायद जो नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूं वो आपके बहुत काम आती होगी। क्योंकि मेरा पूरा मोटो यही रहता है कि जितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम आपको नॉलेज शेयर कर पाएं, शायद वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज में आप लोगों से कहता रहता हूं कि आपको शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं चलना है, आपको अपना एक एम बनाना है और लगातार अपने एफर्ट्स को लगाना है जिससे आप अपने एम को फुलफिल कर पाएं, अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएं। अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वो उनका टाइम पास हो जाए, या एम्यूजमेंट के लिए देखते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं। यूट्यूब पे अगर पहले बात की जाए दोस्तों, तो पहले तो यूट्यूब में बहुत ही कम ऑडियंस थी जो पढ़ने के लिए आती थी या कुछ सीखने के लिए आती थी। अदरवाइज जब लोग बोर हो रहे होते थे तो वो यूट्यूब पे आते थे, गाने सुनते थे, कॉमेडी देखते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। लेकिन आज अब ट्रेंड चेंज हुआ है, अब यूट्यूब पे ऐसे भी लोग आ गए हैं जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से कुछ सीखते हैं, यूट्यूब से ऑनलाइन पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं। और अगर बात करें उन लोगों की जो यूट्यूब पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तो फिलहाल अभी भी उनका क्राउड बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ऐसी वीडियोज बनाते हैं जो कॉमेडी होती हैं, या जो लोगों को मनोरंजन प्रोवाइड करती हैं, या म्यूजिकल वीडियोज होती हैं, या कोई सॉन्ग होते हैं, वहाँ पे मिलियंस में व्यूज होते हैं। और जो लोग किसी को गाइड करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, या कह सकते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड व्यूज आते हैं। लेकिन आपको जान के शायद हैरानी होगी कि जो ये एजुकेशन चैनल्स होते हैं, जो हम लोग आपको बताते हैं, वहाँ पे जो अर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीसी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो आगे चल के कुछ वीडियोज में मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाऊँगा यूट्यूब की, और आपको मोटिवेट करने की कोशिश भी करूँगा कि कैसे हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में कुछ पैसा यूट्यूब हमको देता है। लेकिन जब हम उसको अपने बिजनेस से कंपेयर करते हैं तो वो उसका 1% भी नहीं है। बट चूंकि बात यहाँ पे ये आती है कि आपकी हॉबी क्या है, चूंकि मैं लोगों को हमेशा सिखाता रहा हूँ, पिछले 10 सालों में लोगों को पढ़ाता रहा हूँ, तो जब मैं YouTube पे कोशिश करता हूँ वीडियोज बनाने की, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज आपको हमेशा मैं देता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। आगे चल के चूंकि YouTube पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा मुझे हो गए YouTube पे काम करते हुए, तो आगे चल के मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको भी अपने साथ ले आऊं जिनके पास एक भी पैसा नहीं है और वो चाहते हैं कि वो महीने में 25,000, 30,000, 50,000 अप टू 1,00,000 रुपीज आराम से अर्न कर सके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के।
उसके लिए मैंने चूंकि YouTube पे पूरा एक कह सकते हैं दोस्तों बुक लिखी है, मेरे लैपटॉप में है, कभी मैं आपसे शेयर करूंगा। वहां पे मैंने YouTube की जो एल्गोरिथम है कैसे काम करती है, क्या तरीका है YouTube पे काम करने का, कैसे हम YouTube से एक ही महीने में 25,000 से 30,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो सारे आइडियाज मैंने अपने पास लिख के रखे हुए हैं। टाइम मिलते ही ये सारे आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों में से ऐसे लोग जो अभी ई कॉमर्स नहीं कर रहे, ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर वो घर बैठे कुछ पैसे कमाना चाहें, साथ में चूंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं यहां पे ये देखता रहता हूं कि जो लोग बिल्कुल पैसा नहीं अर्न करते हैं, भले ही उनको कुछ भी ना आता हो, तो आज की डेट में अगर वो चाहें तो यूट्यूब पे अपना डेली ब्लॉग बना करके, मतलब अगर वो खेत में काम करने जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो वो उसी चीज को दिखा के बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत लोग अर्न कर रहे हैं अपनी डेली ब्लॉग्स को दिखा करके। तो है क्या कि YouTube पे ये सारी चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, लोगों को मजा आता है, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं YouTube से, जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो आइडियाज मेरे पास हैं, जो चीजें पिछले 2 सालों में मैंने YouTube पे सीखी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे भी शेयर करूं, जिससे आप लोगों में से ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है और वो कुछ पैसे घर बैठे कमाना चाहते हैं, तो आज की डेट में बहुत आराम से वो YouTube से कमा सकते हैं। आपको वीडियो शूट करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा, आपको फेस दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपको फेस कैम वीडियोस बनानी भी नहीं है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है जो मेरे लैपटॉप में है। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उसके कुछ आइडियाज आपको शेयर करूं, जिससे अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आप भी YouTube से अर्निंग कर सकते हैं। और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोज मैं आप सबके लिए बना पाऊं, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं पढ़ाता भी हूं, कहीं ना कहीं मेरे पास अपनी कंपनी भी है, साथ में बहुत सारे काम होते हैं, उसके साथ मैं YouTube करता हूं, क्योंकि मेरे पास जो भी टाइम बचता है या जो भी टाइम मेरे पास होता है, मैं कोशिश करता हूं वीडियोज बनाने की, जिससे जो लोग मुझे देख रहे हैं शायद वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। और आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छा नॉलेज दे पाऊं और वीडियोस की जो क्वालिटी है उसको हम और इम्प्रूव कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।